इस राज्य की सरकार ने कहा था जहाँ प्रति एक साल 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनेगी। आज आप लोग देख रहे हैं एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये स्वयं निर्णय नहीं ले पाती है, सेल्फ निर्णय नहीं ले पाती है, इसलिए आज बिहार के अंदर ये हालचाल है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए, हम पटना के GPO गोलंबर पे हैं और हमारे साथ अभी CPI से बखड़ी विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं। सर, पटना की सड़कों पे उतरे हैं, युवाओं को बेरोजगारी को लेकर क्या कहिएगा, क्या मांगे आप लोगों की? आज खास करके पूरे बिहार में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। आज हमारे छात्र नौजवान रोड पर है, आप देख रहे हैं। इस राज्य की सरकार ने कहा था हम प्रति एक साल 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनेगी। आज आप लोग देख रहे हैं एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। 19 लाख तो दूर है, एक भी लोगों को नहीं मिला है रोजगार। इनको मिलेगा कहाँ से? ये सारा सेक्टर जितना भी है सार्वजनिक क्षेत्र का, वो निजी क्षेत्र में बेच रही है, इसलिए रोजगार इनके पास नहीं है। आज विद्यालय हर पंचायत में 10+2 बना, शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, शिक्षक आज विद्यालय में नहीं है। आज यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आज उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग हमारे तमाम छात्र नौजवान कर रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार? आप लोग तो भी नौजवान हैं, आज आप माइक लेकर के पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर आपको रोजगार मिल जाता तो आप ये पत्रकारिता तो नहीं करते। रोजगार मिलनी चाहिए, ये हमारे तमाम छात्र नौजवान उसके लिए आज रोड पर हैं और हम आज इनके आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। हम सदन में भी इनकी बात को रखेंगे, सदन चल रहा है, चलते सदन में हम इनकी बात को रखेंगे। पिछले दिनों भी हम रखे हैं, रखने का काम किए हैं। आज बिहार का जो शिक्षा का हाल चाल है, आज पूरे चौपट, खास करके कोरोना काल में जो सारे विद्यालय बंद थे, सरकार ने अलग से कोई व्यवस्था नहीं किया पढ़ने का। आज KG से PG तक उन्होंने कहा था कि हम छात्र को मुफ्त शिक्षा देंगे, खास करके SC ST छात्र को, और तमाम जो हमारे छात्राएं हैं उनको हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। क्या मुफ्त में शिक्षा मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा है। आज 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 आप सुन लीजिए और बात सुन लीजिए। आज जो उन्होंने कहा था, जो हमारी बेटी ग्रेजुएशन करेगी उनको हम 50,000 रुपया देंगे, जो इंटर करेगी उनको हम 25,000 रुपया देंगे, मैट्रिक वाले को 10,000 रुपया देंगे। लेकिन 3 साल से मेरा दावा है, आज एक भी पैसा हमारे किन्हीं छात्र को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसके लिए भी हमारे छात्र नौजवान रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। आज शिक्षा चौपट है पूरे बिहार के अंदर, शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज यूनिवर्सिटी में रिजल्ट समय पर नहीं आता है, इसके लिए भी हमारे छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। सवाल रहेगा सर, आपने सर कहा कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का चौपट है, शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रदर्शन करते हैं, पटना के सड़कों पर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। आज 2014 में भी ST छात्र वो अभी भी पिछले दिनों आंदोलन किए थे, उनको अभी तक ये सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। बहुत बड़ा घोटाला उसमें हो रहा है, उसकी संभावना है, इसलिए ये डबल इंजन की सरकार है, ये स्वयं निर्णय नहीं ले पाती है, सेल्फ निर्णय नहीं ले पाती है, इसलिए आज बिहार के अंदर ये हालचाल है। बखड़ी विधायक CPI के सूर्यकांत पासवान, आपने सुना है तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार शिक्षा व्यवस्था बिहार की खराब हो रही है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। अगर बात कर ले तो बेरोजगारी जो वो चम सीमा पर है, सरकार का उस पर भी ध्यान नहीं जा रहा। क्या कुछ करते हैं सूर्यकांत पासवान, आपने सुना, और तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।